के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। राजपूत करणी सेना की तरफ से गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि प्रदेश में 14% जनसंख्या होने के बावजूद राजपूत वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। राजपूत करणी सेना की तरफ से गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में 14% जनसंख्या होने के बावजूद राजपूत वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार उनकी जनसंख्या को 4% बताया गया, जो बिल्कुल निराधार है। इसके अलावा सभी वर्गों के हित की बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ी बात यह भी कही कि किताबों के समाज फिर से इसके अलावा सभी वर्गों के हित की बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ी बात यह भी कही कि किताबों के सार्थक प्रमाण के अनुसार राजा सुहेलदेव राजपूत वंशावली से थे, जबकि ओम किताबों के सार्थक प्रमाण के अनुसार राजा सुहेलदेव राजपूत वंशावली से थे, जबकि उन महापुरुष का ओम प्रकाश राजभर व अन्य पार्टी द्वारा जातिगत फायदा लिया गया है। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को समर्थन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कुछ दिन बाद फैसला लिए जाने की बात कही। प्रदेश और देश में राजपूत वर्ग की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद कई अधिकारियों से उन्हें वंचित किया गया है। इस बात पर नाराजगी जताते हुए सरकार व संस्था से निष्पक्ष जनगणना की भी अपील की गई। बाइट प्रदेश अध्यक्ष। मेरा नाम राकेश सिंह रघुवंशी, मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं आप सभी को बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक राजपूत का पीड़ा था, उसमें सर्व समाज भी है, उसमें समण समाज भी है। वो पीड़ा ये था कि उत्तर प्रदेश में राजनीति चुनाव एकदम बिल्कुल चरम पे है, चुनाव पहले चरण का होने वाला है, वोट पड़ने वाले हैं। ऐसे में राजपूत समाज को हाशिए पिलाने की कोशिश की जा रही है, कुछ मीडिया के माध्यम से भी और कुछ राजनेताओं के माध्यम से। यही मेरी पीड़ा थी, और पीड़ा ये थी कि हम राजपूत उत्तर प्रदेश में 14% हैं, लेकिन राजपूतों को केवल 4%, कोई 5%, कोई 6% दिखा रहा। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है राजपूतों के खिलाफ। राजपूतों ने कौन सा ऐसा महापाप किया? क्या राजपूतों ने महापाप किया कि 563 रियासतें दान में दे दी सर्व समाज के लिए? ये महापाप किया है कि अपने रक्त से सींचे हुए इतिहास सींच करके सर्व समाज को बचाया, उसमें कर दी। हमने अपने समाज को लड़ाई में लड़ते लड़ते अपने आप को खत्म करके अपनी जनसंख्या कम कर ली, ये महापाप किया है? कौन सा पाप किया है? हम चुपचाप रहे। आज राजपूत समाज जो सबको देता था, आज अपनी आवाज़ उठा रहा है, ऐसी कंडीशन ला दी गई है। तो आज उत्तर प्रदेश, ये बात इसलिए आ रही है कि जातिगत जो व्यवस्था से यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, जातिगत राजनीति इतनी चरम पे आ गई है, 1585 जैसे नारा लगाने वाले महापापी पैदा हो गए हैं। इसलिए करणी सेना को आवाज़ उठानी पड़ रही है कि हम राजपूत 14% उत्तर प्रदेश में हैं, हल्के में मत लेना। तुम टिकट दो या ना दो एक अलग बात है, लेकिन ये हल्के में लेना कि 4% 5% है, ये दिमाग से निकाल लेना, 14% भी बहुत भारी है। तो यही कहना था कि हम राजपूतों को कम न दिखाया जाए। आपके माध्यम से भी आपसे भी अपील कर रहा हूँ कि हम जितने उतने दिखाएं। और अगर आपका सवाल ये भी हो सकता है कि आप किस आधार पर कह रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया का किस आधार पर है कि मीडिया कह रही है कि 4% 5% है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राजपूत समाज हमारा संगठन इतना सक्षम है कि ग्राम सभा से लेकर ब्लॉक तक, और ब्लॉक से लेकर के विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर जिले तक, और जिले से लेकर के प्रदेश, और प्रदेश से लेकर समस्त भारत में, यहाँ तक कि अमेरिका में हमारा संगठन है, मैं वहाँ तक अपनी जनगणना में हम लोग अपने समाज का करा सकते हैं, और करा करके एकदम साच, कंप्लीट साच सरकार के सामने रख सकते हैं। इसलिए अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि नेगेटिव मैसेज सेट करिए, हम 14% हैं और आप इसकी जनगणना करा लीजिए। अगर जनगणना मुझसे कराना चाहते हैं तो हम करने के लिए अपना तैयार हैं, और नहीं तो जातिगत जनगणना की और अन्य पार्टियों मांग करिए वो करा लें। एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर गंगा सेवा निधि की ओर से दशाश्वमेध घाट पर दिया संध्या आरती की गई व दियों से घाट पर एनडीआरएफ लिखा गया। एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर गंगा सेवा निधि की ओर से दशाश्वमेध घाट पर दैनिक संध्या फिर से एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर गंगा सेवा निधि की ओर से दशाश्वमेध घाट पर दैनिक संध्या दिया आरती के दौरान दियों से एनडीआरएफ लिखा गया। जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रार्थना की गई व एनडीआरएफ को शुभकामनाएं दी गई। साथ ही एनडीआरएफ द्वारा मां गंगा का पूजन भी किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ इंस्पेक्टर विनीत कुमार व दशाश्वमेध टीम के साथ ही गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, सचिव हनुमान यादव थे। वहीं मकबूल आलम रोड स्थित
एनडीआरएफ मुख्यालय में इस बार कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए वृहद स्तर पर आयोजन नहीं हुआ, वहां सिर्फ झंडारोहण किया गया। महमूरगंज स्थित बनारस प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में एक 8 साल के बच्चे का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर उसके कटे हुए हाथ को जोड़ा गया। महमूरगंज स्थित बनारस प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में एक 8 साल के बच्चे का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर उसके कटे हुए हाथ को जोड़ा गया। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर प्रशांत बर्नवाल के अनुसार हॉस्पिटल में बुधवार को एक आयुष नामक मरीज आया जो कचरा सरैया पोस्ट आयर का निवासी है। उसके दाहिने हाथ की कलाई चारा काटने वाली मशीन से कट गई। यह घटना उसी के घर पर आपस में खेलते वक्त बच्चों के द्वारा मशीन को चला दिए जाने पर हुई, जिसमें आयुष की मां चमेला ने बहुत ही बुद्धिमता और बहादुरी का परिचय देते हुए अपने बच्चे का कटा हुआ हाथ उससे जोड़कर सीधे हॉस्पिटल गई, जहां से डॉक्टरों ने उसे वाराणसी के बनारस प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल भेज दिया, जहां तत्काल उसको ऑपरेट करते हुए लगभग 3.5 घंटे में सफल ऑपरेशन कर उसके हाथ को जोड़ दिया गया। इस सफल सर्जरी के बाद आयुष की मां ने डॉक्टर के इस कार्य को प्रशंसा करते हुए उसकी आंखें नम हो गई, डॉक्टर को धन्यवाद किया और भगवान का आभार जताया। इस सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बर्नवाल ने बताया कि यह बहुत क्रिटिकल मामला था। घटना सुबह करीब 11:30 बजे घटी थी और उसकी मां की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने हाथ को सटा के यहाँ तक ले आई, यह बहुत बुद्धिमानी का काम है। और उन्होंने बताया कि किसी भी तरह से अंग कट जाए तो उसे तत्काल बर्फ में रखकर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए ताकि सही समय पर उचित इलाज हो पाए। मैं डॉक्टर प्रशांत बरनवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। मेरा महमूरगंज में बनारस प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल है। किस तरह का ये पेशेंट आया था, जिसका हाथ कटा था, क्या उम्र है, नाम क्या है? आयुष करके मरीज आया था, 7 साल का बच्चा है, 21 किलो का वेट है। चारा मशीन से इसका हाथ कट गया था 11:30 बजे। ये लोग हमारे पास 1:30 बजे तक आ गए थे। ब्लड जाँच और एक्सरे कराने के बाद हमने ऑपरेशन 2:30 से 3 बजे तक स्टार्ट कर दिया था। हाथों को जोड़ा गया, सारी नसें जोड़ी गई, खून ले जाने वाली और खून को वापस ले जाने वाली नस, हाथ को चलाने वाली नस सब जोड़ा गया। करीब 4.5 घंटा तक ये ऑपरेशन चला और 7:30 बजे तक ये ऑपरेशन खत्म हुआ। इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो जैसे भी ये हाथ कटा हो या उंगली कटी हो तो इसको बर्फ के डब्बे में बंद करके ले आना चाहिए। ये करीब उंगली और हाथ अगर कटा हुआ हो तो 3 से 6 घंटा तक अगर ये ठंडे में रहेगा तो इसको आराम से जोड़ा जा सकता है। कोहनी के पास अगर हाथ कटा है तो फिर 4-5 घंटे के अंदर ही उसको जोड़ना चाहिए, इतना देर आप इंतजार नहीं कर सकते। कलाई और उंगलियाँ करीब 8 घंटे तक अगर आप बर्फ में रखी नहीं तो उसको आराम से जोड़ा जा सकता है। ये करीब 4.5 से 5 घंटा लगा। ये माइक्रो सर्जरी द्वारा अंडर मैग्नीफिकेशन ये लोग ऑपरेशन करते हैं। हाथों की नसें बहुत पतली होती है, उनको बहुत बारीक धागों से जोड़ा जाता है। के साथ जो एक बच्चा थोड़ा छोटा सा ऊँट लेकर आया और दो बच्चियाँ डुला रही थी, वो हाथ से जो अंदर छूट गया था उसे निकालने गया और वो बच्ची देखी नहीं डुला थी। ये क्या चीज़ मतलब किस चीज़ में लगी है? वो चारा काटने वाली मशीन थी और बच्ची हाथ कट गया, घिघियाने लगे सभी लोग, तो हम थोड़ा दूर पर थे, दौड़ कर आए तो देखे तो हाथ अलग अलग, तब हम वो दूसरा हाथ जो है कटा वाला लेकर इसी में सटा लिए, सटा कर लेकर भागे प्रेमनगर बाजार में। वो डॉक्टर देखे तो वो पट्टी करके छोड़ दिए, कहे कि बनारस जाओ। फिर हम लेकर भागे, आए खुशहाल हॉस्पिटल, खुशहाल के डॉक्टर साहब यहाँ पर देखती है, यहाँ पर हम 1:30 बजे पहुँचे। 1:30 बजे पहुँचे तो डॉक्टर साहब बोले कि जो अभी उसका एक्सरे कराओ। तुरंत गए एक्सरे कराए, उसके बाद लेकर आए तो डॉक्टर साहब यह कहे कि जो और कहीं जांच कराना है तो करा लो। हम हाथ जोड़ कर खड़े हो गए कि नहीं डॉक्टर साहब, हम अब कहीं नहीं जा पाए। बहुत खुशी है डॉक्टर साहब।
लंका थाना क्षेत्र में डाफी बाईपास जाने वाले मार्ग पर गड्ढे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें होती थी, जिसको पाटने का कार्य अमन यादव ने फावड़ा उठाकर किया। लंका थाना अंतर्गत सिर गोवर्धनपुर से डाफी बाईपास जाने वाले मार्ग पर पिछले कई माह से गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया था, जिसमें पशु तथा राहगीर व स्थानीय नागरिक गिरकर घायल हो जाते थे, जिसको आज अमन यादव ने फावड़ा उठाकर पाटने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि मार्ग पर पिछले साल से ही गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। खोदने के बाद गड्ढे को पाटा नहीं गया और वैसे ही छोड़ दिया गया, जिससे स्थानीय नागरिक राहगीर आए दिन गिरकर उसमें घायल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गड्ढे के अंदर से ही गैस पाइपलाइन डाली गई है, जिसमें थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई थी और लोग इसमें कूड़ा फेंक रहे थे। कूड़ा फेंकने के बाद आग लगा दे रहे थे, जिससे हादसा होने का डर बना हुआ था, जिसको देखते हुए आज हम फावड़ा स्वयं उठाकर गड्ढे को पाटने का कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि इस प्रकार से जो जगह जगह गड्ढे खोद कर छोड़ देते हैं तथा पाटते नहीं, उनके ऊपर अर्थदंड लगाया जाए तथा उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। अमन यादव, महानगर महासचिव, पिछड़ा पवन, समाजवादी पार्टी। क्या कर रहे हैं आज? हम लोग जो है कि यह देख रहे हैं, मेन रोड है, इसके बगल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, आगे ट्रामा सेंटर है, आगे डाफी टोटलैक्स पड़ता है। यहाँ पे 24 घंटा आवागमन है, गाड़ियों का रेला आता जाता रहता है प्रतिदिन और दिन रात। यह जो आप गड्ढा देख रहे हैं ना, ये लगभग पिछले साल फरवरी के पहले जब इधर गैस पाइपलाइन डाली जा रही थी, तब का यह गड्ढा खोदा गया है। साल भर हो गया इस गड्ढे को, कंपनी वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, अपना काम करके छोड़ के चले जा रहे हैं। उनके लोगों को इंसान के जान का कीमतें नहीं पता है, जिसमें गाय गोरु रोज गिरती है। अभी परसों एक बुजुर्ग आदमी गिरे थे, उनका देखिए, उनको जो है कि गिर गया, उनका खोपड़ा मुँह फूट गया, केवनी पैर सब बहुत चोटें आई, ट्रामा सेंटर में गए थे, भर्ती हुए थे। इसको देखते हुए हम लोग जो है कि फिर विचार किए कि यह विभाग वाले तो लापरवाह हैं और विभाग कोई सुनवाई होने वाला नहीं है, इसलिए आज हम जो है कि अपने खुद अपने हाथों से फरसा चलाकर गड्ढे को पाटने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इतना एक्सीडेंट और लोग घायल हो जाए हम लोग से देखा नहीं गया। यह विभाग वाले जो है कि लापरवाह हैं, कंपनी वाले जो करोड़ों रुपये का ठेका दिया जाता है कंपनी वालों को कि जो कार्य कर रहे हैं, खोद रहे हैं, बना रहे हैं कागज करने के लिए, लेकिन ये सब खाली पैसा घोटालेबाजी करते हैं, पैसा वसूल लेते हैं सरकार से और काम वैसे ही छोड़ के आधा अधूरा चले जाते हैं। इसमें लोग कोई गिरे मरे पड़े इन सब से मतलब नहीं है, इन सबको बस है कि टेंडर हो गया, ठीका हो गया, पैसा पास हो गया, चले गए। तो आज हम जो है कि नौजवान साथी इस गड्ढे को पाटे का कार्य कर रहे हैं कि अब घटना ना हो। देखिए यहाँ पे मोड़ भी है, तमाम गाड़ी मोटर प्रतिदिन हादसे होते रहते हैं, दुर्घटनाएँ होती रहती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और बता रहे आपको, साल भर से था, पता चला कि लोग सोचते थे यहाँ के लोग कि यह सरकारी गड्ढा है, इसको नहीं पाटना चाहिए, सरकारी गड्ढा है, इसलिए लोग पाटते भी नहीं थे। आज हम इसको पाटे, 6 फीट गड्ढा था, कूड़ा फेंकते फेंकते कम हुआ। अभी देखिए उसमें सुबह आग भी लगा था, बताइए नीचे पाइप लाइन गया है गैस का, वो भी उसमें आग भी लग जा रहा है। इतना लापरवाही यह विभाग वाले कर रहे हैं, इतना लापरवाही कि उसका कोई सीमा नहीं है। पूरा यहाँ से लेकर अपने बनास गड्ढा खोदे, अभी आगे भगवानपुर छुट्टूपुर की तरफ जियो वाला गड्ढा खोदा था, तो उसमें जो है कि साल गिरा था। 6 महीना पहले भी एक गेल वाले का उस समय था, तो उस समय भी साल गिरा था। जब तक तो हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, कुछ करते रहे, तब विभाग वाले एकदम मनमाना तरीके से करते जा रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। मैं बनारस के जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ कि जो भी कंपनी वाले यह सब आधा अधूरा काम करके जाते हैं, उन सभी का पैसा रोका जाए, उन सभी के जो है कि कटौती किया। गुरुवार को वीरांगना इंडिया द्वारा वाराणसी के लोको शितुपुर वार्ड में लगभग 100 बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। साथ ही आने वाले समय में वीरांगना इंडिया के कार्यों के बारे में संक्षेप में बताया गया। गुरुवार को वीरांगना इंडिया द्वारा वाराणसी के लोको शितुपुर वार्ड में बाल विकास परियोजना नगर के अंतर्गत रहने वाली लगभग 100 किशोरी बालिकाओं के बीच में सैनिटरी नैपकिन का मुफ्त वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा ने कहा कि ये सैनिटरी नैपकिन के ऊपर जागरूकता फैलाने का एक प्रयास है, जो वीरांगना इंडिया द्वारा देश भर में चलाया जा रहा है और वाराणसी के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। वीरांगना इंडिया के राष्ट्रीय समन्वयक प्रिया मिश्रा ने
कहा कि वीरांगना इंडिया अभी सैनिटरी नैपकिन निर्माण के साथ साथ 54 ऑर्गेनिक FMCG प्रोडक्ट को भी बाजार में लॉन्च करेगी, जिसके जरिए मेंबरशिप दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। वीरांगना इंडिया के संस्थापक विशाल कश्यप ने बताया कि अगले 30 जनवरी से वीरांगना डिजिटल हो रही है और कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठकर वीरांगना इंडिया ज्वाइन करके उसे अपनी आमदनी का जरिया बना सकता है। बच्चों से जो भी चीज छिपाया जाता है उसी पे बच्चों के इंटरेस्ट बनती है। आप अपने घर में देख लीजिएगा, जो भी चीज आप बच्चों से दूर करेंगे, छुपके करेंगे, उसी में बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट जाता है। और भारतवर्ष जैसे देश में ये चलती आई है कि हम लोग खुल के इस टॉपिक में बात नहीं करते। शुक्रगुजार हूं मैं सरकार का जिन्होंने आज बहुत सारा अवेयरनेस कार्यक्रम उसके ऊपर दिया है, नैपकिन को फ्री किया है कि बहुत सारे जगहों से नैपकिन उपलब्ध होती है, और फिल्म के जरिए एक संदेश अक्षय कुमार जी ने पैडमैन फिल्म में दिया है कि नैपकिन का इस्तेमाल हो। और एक चीज़ में वीरांगना इंडिया काम करती है जो आप लोगों से शेयर करना मेरे लिए ज़रूरी है, हम लोग नैपकिन के डिस्पोजल में भी काम करते हैं। इस्तेमाल करना तो फिल्मों से लोगों ने सीखा है या सिखाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी नैपकिन को कैसे डिस्पोज किया जाता है, नष्ट किया जाए, ताकि उससे कोरोना जैसी भयंकर बीमारी फ्यूचर में ना आए, वायरस ना फैले, उस पर भी वीरांगना कार्यरत है। और उसके लिए हमारी एम्बेसडर नीलू मिश्रा जी है और नेशनल आप देख ही रहे महिमा चौधरी जी है, और इनके जरिए हम लोग जगह जगह पहुँच रहे हैं। थैंक यू। आज हमारे साथ यूथ गर्ल्स हैं, हम लोगों का सबसे पहला मोटिवेशन कार्यक्रम था। हमारे स्लम एरिया की जो लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स भी हैं, कुछ स्पोर्ट्स में भी जाती हैं, इनको वीरांगना हमारी एक संस्था है राष्ट्रीय स्तर की, उनके माध्यम से हम लोगों ने आज से एक शुरुआत की है कि प्रत्येक माह इनको हम सैनिटरी पैड का वितरण करेंगे। सैनिटरी पैड इसलिए कि क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन या इस तरह के जो बच्चे हैं, कभी कभी इन सब चीज़ों के अभाव में वो अपनी चीज़ों को बहुत नॉर्मल नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मल नहीं कर पाते, तो हम लोगों ने स्पेशली स्पोर्ट्स के बच्चों को टारगेट किया है कि प्रत्येक माह 200 बच्चियों को हम सैनिटरी पैड वीरांगना की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरा है कि हमारे जो अभी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, 7 मार्च को हमारे बनारस जनपद में मतदान है, तो कुछ कुछ जगहों पर महिला मतदाता प्रतिशत अभी बहुत कम है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी अपील पूरे शहर की उन महिलाओं से है जो अभी तक अपने आप को जागरूक नहीं कर पाई हैं, वोटर बन जाते हैं लेकिन वोट नहीं देने जाते हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और स्पेशली वुमेंस को ये बात समझना होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में हमको राइट नहीं मिला है मतदान करने का। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है, तो इस बराबरी के दर्जे को हम अपना अधिकार समझें और 7 मार्च को अवश्य मतदान करने जाएं। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छी सुविधा हम लोग को दी है, कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए वहाँ ग्लव्स रखे जाएंगे, मास्क रखे जाएंगे, सैनिटाइजर रखे जाएंगे, और 4 प्रकार के स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि एक जनरल हर विधानसभा वार 4-4 हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कि जनरल एक पोलिंग बूथ होगा जहां सारी एक एग्जाम्पल के रूप में उत्सव मनाने का सारा बेसिक सुविधा रहेगा। दूसरा है ग्रीन बूथ, ग्रीन बूथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें उनको इस्तेमाल करते हैं उसका डेकोरेशन किया जाए, कोई ऐसे रेडीमेड चीज़ों का वहाँ प्रयोग ना हो। तीसरा जिस तरह से आज बच्चों को भी आपने इसमें सम्मिलित किया, तो इन बच्चों से क्या कहा कि वोट वाले दिन अपने माँ बाप को लेकर वोट बूथ तक? बिल्कुल, ये बच्चे जाएंगे और ये प्रण करके जा रहे हैं कि जिनका नाम अभी 18 वर्ष 1 जनवरी को पूरा हो रहा है, जिनका नाम शामिल नहीं है, उनको हम लोग मतदाता सूची में नाम भी बढ़वा रहे हैं कि जिनको जानकारी नहीं थी, तो हर गली हर मोहल्ले में हम लोग का यही कार्य चल रहा है कि जो मतदाता नहीं बने वो मतदाता बने। इसी बार 75 पार आपने कहा है, तो ये कितना हो पाएगा? देखिए, पिछला हम लोगों ने जो 60% के करीब 60-62% बनारस किया था, और इस बार बहुत सारी चीज़ें मतदाता सूची भी सही की गई, हमारे नए युवा वोटर्स करीब 2% बढ़े हैं, तो मेरे हिसाब से इस बार नाम बढ़ना चाहिए, और जो डुप्लीकेट करीब 36,000 मतदाता थे वो भी हटे हैं, तो ये होगा। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, विशाल कश्यप जी जो वीरांगना के माध्यम से पूरे देश में ये अभियान चला रहे हैं स्पेशली महिलाओं को सैनिटरी पैड की सुविधा दिलाने के लिए, तो इस अभियान से सभी लोग जुड़ें और ऐसी बालिकाओं को ये सुविधा दें, जिनको भी ज़रूरत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम उन बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। दी ऑटो ई रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने सोसाइटी के अध्यक्ष अजय चौबे के नेतृत्व में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट वाराणसी को शहर में जाम की समस्या को दूर करने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। दी ऑटो ई रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने सोसाइटी के अध्यक्ष अजय चौबे के नेतृत्व में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट वाराणसी को शहर में जाम की समस्या को दूर करने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा।
सोसाइटी के अध्यक्ष अजय चौबे ने इस अवसर पर उपस्थित मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि सोसाइटी द्वारा शहर को जाम मुक्त होने व सुचारू रूप से संचालन हेतु सोसाइटी द्वारा प्रशासन को कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसमें शहर में संचालित हो रहे प्राइवेट बसों का स्थायी स्टैंड की व्यवस्था शहर से हटाकर बनाया जाए, जिससे ऑटो एवं ई रिक्शा के संचालन में शहर जाम मुक्त हो जाएगा। चौकाघाट लकड़ी मंडी से गाजीपुर के लिए आवागमन होने वाली बसों को चौकाघाट से हटाकर आशापुर ओवरब्रिज के पास रोका जाए व स्टैंड की व्यवस्था की जाए, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। पांडेपुर आजमगढ़ रोड पर आवागमन करने वाली बसों को लालपुर ओवरब्रिज रिंग रोड के पास स्टैंड की व्यवस्था की जाए, जिससे बड़ी गाड़ियां शहर में प्रवेश नहीं करेंगी तो जाम की समस्या का समाधान हो सकेगा। तथा कैंट कलेक्ट्री फॉर्म से भदोई रोड पर आवागमन हेतु बसों को लोहता थाने के आगे रोका जाए व स्टैंड की व्यवस्था की जाए। अजय जी, किन यातायात के विषय पर गाड़ी साहब से मिलने आए हैं। विषय ये है कि जो शहर के अंदर जो बसें चल रही हैं, जो जाम की स्थितियाँ जो पैदा है, जिनका हम लोगों ने साल भर से सुझाव दिया हुआ बताया भी है, तो जो शहर के अंदर बसें चल रही हैं वो गलत है। और शहर से बाहर रहें तो शहर से जब बाहर बसें जाएंगी तो स्वाभाविक है ऑटो भी दूरियाँ जाएंगी, ऑटो भी दूर से लेंगी, तो वो जगह रास्ता यातायात भी सही रहेगा, चलेगा, लोगों को दो पैसा भी प्राप्त होगा। मगर आज तक वो बसों को न ही हटाया गया और न ही उनकी व्यवस्था की गई। और दूसरी बात, यदि वहाँ पर यदि स्टैंड पर लेने जाते हैं सवारी और ऑटो रिक्शा वाले जाते हैं तो वहाँ खड़ा होकर फोटो खींचा जाता है, जिसके कारण उनको मोटा रकम 5,000 तक लगभग हम लोगों को देना पड़ जाता है। यदि कुछ बोलते हैं तो उन पर उनको लाठी से मारा जाता है या अपमानित किया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? हमारा शहर है एक अलग सिटी है, जो प्रधानमंत्री जिन्होंने ऑटो रिक्शा चलाने के लिए एक अलग व्यवस्था उन्होंने दी, उस व्यवस्था को कहाँ से हटाया जा रहा है? वही गरीबों का व्यवस्था है। गरीब आज के तारीख में ये स्थिति हो गया है कि लोग अपने के दो वक्त का रोटी और जो बैंक से लोन लेकर के बनाए वो लोन का पैसा भी नहीं दे पा रहे। क्या क्या मांग करते हैं आप? हम लोगों ने इस बार पत्रक दे रहे हैं इनको, पत्रक देने के पश्चात ये इनको यदि लगता है कि नहीं ये चीज़ है, यदि हमारी बात को सुझाव को समझते हैं तो वो अच्छा रहेगा, बनारस अच्छा देखेगा यार। बनारस तो हम लोगों का, हमको किस तरह से करना इनको लोगों ने बताया भी है। यदि उस बात पर चलते हैं तो ठीक रहेगा, यदि वो मैं में लेकर चलेंगे तो स्वाभाविक है ये आंदोलन के लिए हम लोग बात होंगे, जिसकी जिम्मेदारी यातायात प्रशासन का होगा। बच्चों के दीर्घायु के लिए महिलाएं शुक्रवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखेंगी, जिसको लेकर सभी गणेश मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं। बिना मास्क मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बच्चों की दीर्घायु के लिए महिलाएं शुक्रवार को व्रत रखेंगी। संकष्टी गणेश चतुर्थी पर बनारस के सभी गणेश मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में इस दिन 1,00,000 से अधिक लोग मत्था टेकते हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया है। कोई दर्शनार्थी बिना मास्क के मंदिर में संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रवेश नहीं कर पाएगा। शुक्रवार को मनाए जाने वाले इस पर्व के लिए बड़ा गणेश मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर परिसर में साफ सफाई जोरों पर है, वहीं मंदिर के बाहर भगवान गणेश की प्रतिमा की दुकानें सज रही हैं। इस संबंध में मंदिर के महंत राजेश तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को गणेश चौथ या संकष्टी गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक भगवान गणेश के दर्शन भक्त कर पाएंगे। इस वर्ष कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी से अपील की गई है कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। बिना मास्क किसी को भी मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजेश तिवारी कल बड़ा गणेश मंदिर में जो है भक्तों का दर्शन होगा, भक्त यहाँ आएंगे दर्शन करेंगे और सुबह 4 बजे से मंदिर खुल जाएगा, रात 12 बजे तक खुला रहेगा और यहाँ पर चढ़ाने के लिए फूल माला और गुड़ और तिल का लड्डू जो है ज़्यादा चढ़ता है। कल संकष्टी गणेश चतुर्थी है, महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जो है यह व्रत रखती हैं। कोविड काल को देखते हुए हमने जो है अखबार में पेपर में निकलवा दिया है कि मास्क लगाइए और कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग दर्शन करें। लगभग
यह तो पूरे बनारस के लोग यहाँ दर्शन करते हैं और यह लखा मेला में शामिल है, मतलब करीब 1,00,000 लोग दर्शन करेंगे। प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, प्रशासन आकर के यहाँ मौके का मुआयना भी कर चुका है।